आज का हमारा टॉपिक वॉलीबॉल है, ठीक है। मेरी कोशिश होगी मैं आपको वॉलीबॉल के कोर्ट के बारे में, रूल्स के बारे में और वॉलीबॉल की बाल के बारे में सब कुछ बताऊं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सरकमफ्रेंस जो है वो कितना होता है वॉलीबॉल का, मैं आपको बता दूं। जो सरकमफ्रेंस होता है ना, वो ये चीज़ होती है कि जो सतह होती है ना वॉलीबॉल की पूरी सतह जो है वॉलीबॉल की, जो ऊपर का हिस्सा एरिया है पूरा बाहर वाले साइड पर, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। और ये गाइस 65 से 67 सेंटीमीटर होती है, ठीक है जी। अच्छा गाइज, अगर हम वेट की बात करें ना, तो इसका वेट जो है वो 260 से 280 ग्राम्स होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसके जो बाल है उसके अंदर प्रेशर होता है ना, एयर जो है वो भरते हैं बाल के अंदर, तो वो एयर कितनी होती है, वो जो एयर होती है इनसाइड द वॉलीबॉल वो 4.26 से 4.61 पास्कल होती हैं। फ्रेंड्स, ये जो पास्कल है ना, ये प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है जी। उसके बाद वॉलीबॉल कोर्ट है। वॉलीबॉल कोर्ट जो है ना, ये देखिए आपके सामने यहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट है। इसकी जो इधर साइड होती है ना, जो इसकी लंबाई वाली साइड है, उसको हम साइड लाइन कहते हैं। और जो पीछे इसकी लगती है ना लाइन, इसको हम एंड लाइन कहते हैं। ये आपके सामने ही है, ठीक है जी। तो वॉलीबॉल जो है, इसकी जो लेंथ होती है ना कोर्ट की, वो 18 मीटर होती है, आपने याद रखना है। और जो विड्थ होती है वो 9 मीटर होती है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ तक को मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे ना फ्री जोन एरिया आ जाता है। हर गेम में ना फ्री जोन एरिया उस एरिया को बोलते हैं जो कि उस जहाँ पे वो गेम खेली जा रही है और सरफेंस है, उससे बाहर वाली साइड पे जो एरिया होता है ना इर्द गिर्द का, उसको बोलते हैं फ्री जोन एरिया। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ना ग्रीन कलर में एरिया, वो फ्री जोन एरिया है। तो जो साइड लाइन से बाहर की जाने एरिया है दोनों साइड पे, वो 5-5 मीटर का मिनिमम ज़रूर होना चाहिए इंटरनेशनल मैचेस में। और जो एंड लाइन से बाहर की तरफ का एरिया है वो 8 मीटर होना चाहिए, ठीक है जी। आपको पता चल गया यहाँ तक। मैं आपको दोबारा बता दूँ कि 5 मीटर का एरिया जो है वो साइड लाइन से जो बाहर की जानी फ्री जोन एरिया है वो 5 मीटर का ज़रूर होना चाहिए। और जो एंड लाइन से जो जगह है बाहर की जानी, वहाँ पर 8 मीटर का ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। अगर बॉल जाती है ना बाहर की जानी, तो वॉलीबॉल में प्लेयर बाहर जाके भी बॉल को वहाँ से वापस भेज सकता है। इस कदर वॉलीबॉल जो है वो इतनी खूबसूरत गेम है कि यहाँ से अगर कोई गेम कोर्ट के बाहर, कोई बॉल कोर्ट के बाहर चले गई है, तो प्लेयर वहाँ से भी उसको दोबारा फेंक सकता है अंदर की जानी। वॉलीबॉल रूल्स, अच्छा तो रूल्स की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो रूल्स में सबसे पहले तो हमारे पास ना हर टीम के सिर्फ 6 प्लेयर्स ही खेल सकते हैं उस सरफेस में आ गए, यानी प्लेइंग एरिया के अंदर आके। बाकी 6 प्लेयर जो होते हैं ना, वो सब्स्टिट्यूट के तौर पर बाहर बैठे होते हैं, ठीक है। अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है या कोई प्लेयर टायर्ड हो जाता है, थक जाता है, तो कोच अगर चाहे तो उसको जो है वो तब्दील कर सकता है कि दूसरे सब्स्टिट्यूट के साथ जो प्लेयर बाहर बैठा हुआ है। तो सिर्फ 6 प्लेयर ही खेल सकते हैं एक वक्त में प्लेइंग एरिया में, ठीक है जी। उसके बाद ना हर टीम जो है वो, कोई भी प्लेयर किसी भी टीम का जो खेल रहा है, वो बाल को ना जाल के नीचे से नहीं फेंक सकता कि ये चले ये जाल के नीचे से फेंक दो अगले के कोर्ट में, तो ये करना ना फाउल में आता है। और फिर जो है उस टीम को पेनल्टी मिल सकती है, पॉइंट दूसरी टीम को मिल सकता है जिस टीम ने फाउल किया उसकी मुखालिफ टीम को, ठीक है। यानी कि बॉल को हमेशा कोशिश करनी है कि नेट के ऊपर से ही फेंका जाए, नेट के नीचे से ये अलाउ नहीं है, सही है यहाँ तक। उसके बाद वॉलीबॉल का जो एक और रूल है वो ये है कि देर आर 3 सेट एंड 5 सेट्स ओनली। अब आप कहोगे सेट क्या होते हैं, सेट भला क्या होते हैं, कि एक टीम जो है ना वो 25 पॉइंट्स का एक मैच खेलती है, ठीक है। वॉलीबॉल में जो मैच होता है 25 पॉइंट्स का होता है। तो अगर वो वाला जो उन्होंने खेला है मैच वो जीत जाती है, तो उसको हम बोलेंगे एक सेट मुकम्मल हो गया, चलें जी अगला सेट खेलते हैं, ठीक है जी। तो फिर अगला सेट खेलेंगे यानी कि एक और मैच खेलते हैं, तो फिर जो टीम जीतेगी, तो जो टीम, एक टीम हार जाती है एक टीम जीत जाती है, हमेशा ऐसा ही होता है कि एक टीम हारेगी एक टीम जीत जाएगी। तो फिर एक और सेट कम्प्लीट हो जाएगा, फिर कहेंगे चलो जी एक और सेट खेल लेते हैं, यानी कि एक बार और मैच खेल लेते हैं, उसको हम बोलते हैं सेट। 25 पॉइंट्स का मैच खेलना बार बार। तो यहाँ पे मैं यहाँ तो 3 का सेट होगा या 5 के सेट्स का मैच, यानी कि पूरा ओवरऑल मैच होगा। तो जो टीम पहले 3 सेट जीत जाएगी, अगर तो 5 सेट्स हैं तो जो टीम 3 सेट जीत जाएगी वो जीती हुई करार दी जाएगी। या अगर 3 सेट का टूर्नामेंट है तो या मैच है, तो क्या होगा कि जो टीम 2 सेट जीत जाएगी वो जीत जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह ये होते हैं सेट्स। उसके बाद ईच टीम हिट्स द बॉल अप टू 3 टाइम्स बिफोर द बॉल मस्ट बी रिटर्न्ड। एक जो टीम है ना पूरी, जब उसके अपने एरिया में बॉल आता है ना अपने कोर्ट के अंदर,
तो वो टीम उसको सिर्फ और सिर्फ 3 बार टच करते हुए वापस उस बॉल को भेज सकती है। 3 बार से ज़्यादा वो टीम के प्लेयर्स उस बॉल को टच नहीं कर सकते जिस टीम के एरिया में बॉल आया है। और एक बार और एक बात और याद रखनी है कि सिर्फ एक प्लेयर जो है वो 3 बार बॉल को लगातार टच नहीं कर सकता, ठीक है जी। ये शेयरिंग वाली गेम है, यहाँ पर आप अकेले नहीं खेल सकते। चलें जी, तो ये हो गया हमारे पास ये दो रूल। जो नेक्स्ट रूल हमारे पास आता है फ्रेंड्स, वो है वॉलीबॉल का वो वाला रूल जो कि पॉइंट्स वाला है। जिस टीम ने पहले कर लिए 25 पॉइंट्स वो टीम जीत गई। लेकिन कहानी इतनी भी आसान नहीं है। समटाइम ऐसा होता है कि एक टीम है जिसका नाम टीम ए है, दूसरी टीम का नाम टीम बी है। तो अगर टीम ए ने कर लिए 24 पॉइंट्स और टीम बी ने भी कर लिए 24 पॉइंट्स, तो अब ऐसा नहीं होगा कि जिस टीम ने पहले 25 कर लिए वो जीत जाएगी। नहीं, अब हर टीम को 2 पॉइंट लगातार हासिल करने पड़ेंगे जीतने के लिए। यानी कि टीम ए ने अगर 1 पॉइंट हासिल कर लिया तो 25 उसके हो गए, लेकिन वो जीती हुई तसव्वुर नहीं की जाएगी क्योंकि उसको एक और पॉइंट चाहिए 26 वाला भी जीतने के लिए। लेकिन समटाइम स्टोरी और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है जब टीम ए ने 25 पॉइंट कर लिए और जो टीम बी थी उसने भी 25 पॉइंट कर लिए लगा, यानी कि अब फिर 25-25 हो गए। अब क्या करना है, अब फिर दोबारा लगातार 2 पॉइंट चाहिए जीतने के लिए। अब गेम जो है वो 2-2 पॉइंट पर आ जाएगी। अब 1 पॉइंट से कुछ नहीं होने वाला। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी अब तक कि ये क्या कहना चाह रही हूँ मैं। 24-24 अगर किसी भी टीम के, दो टीमों के आपस में स्कोर 24-24 हो जाए तो उसके बाद लगातार 2 पॉइंट चाहिए जीतने के लिए। अब 1 पॉइंट से बात नहीं बनने वाली, ठीक है जी। चलें जी, ओके फ्रेंड्स, तो आपने बताना है कि आपको समझ आई कि नहीं आई कमेंट के अंदर, ये जो हमने पढ़ा है प्रीवियस रूल इसके बारे में। अगर आपको नहीं समझ आई तो आपको कहीं से भी समझ नहीं आ सकती। अब जो ये वाला रूल है ना, इसके अंदर जब कोई प्लेयर सर्विस करता है तो उसका जो फुट है ना, वो जो लाइन का जो एंड लाइन है, ठीक है, उस पे टच नहीं करना चाहिए। अगर उसका फुट टच कर गया एंड लाइन पे तो वो जो है फाउल कहलाता है। सही है जी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट रूल नंबर 7 है, बॉल हिट्स द नेट एंड फेल्स टू गोज ओपन एट कोर्ट इज फॉल्ट। अगर तो सर्विस की है एक पर्स प्लेयर ने तो जो बॉल है वो नेट को लग गई है और उसके अपने ही कोर्ट में गिर गई है तो वो फाउल कहलाता है। लेकिन अगर बॉल नेट को लगी है लेकिन वो अगले ओपनर टीम के कोर्ट पे गिरी है तो वो फिर फाउल नहीं कहलाएगा। यानी कि बॉल का नेट को लगने के बावजूद इतनी फोर्सफुल बॉल है कि वो फिर भी नेक्स्ट जो गिर जाती है ओपनर कोर्ट में तो फाउल नहीं कहलाता। उसके बाद वॉलीबॉल रूल्स नंबर 8 है, बॉल कैन नॉट बी अलाउड टू कैरी एंड रन विद द बॉल। कोई भी प्लेयर बॉल को पकड़ के भाग नहीं सकता जैसे बास्केटबॉल में भागते हैं, और ना ही बॉल को अपने हाथ पे कैरी कर सकता है, पकड़ खड़ा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 9 है, आ प्लेयर कैन नॉट टच द नेट विद एनी पार्ट ऑफ हिज और हर बॉडी, ठीक है। प्लेयर जो है वो नेट को टच नहीं कर सकता अपनी बॉडी के साथ, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रूल्स हैं वो है लिब्रो के बारे में। तो लिब्रो जो है वो एक ऐसा प्लेयर है जिसके जो क्लॉथ होते हैं वो सबसे डिफरेंट होते हैं कलर के लिहाज से, ठीक है। तो लिब्रो जो है वो ना सर्विस कर सकता है, ना डायरेक्ट वो बॉल फेंक सकता है टैक, ना ही वो टैक कर सकता है। यानी कि बॉल को डायरेक्ट ओपनर की टीम में नहीं फेंक सकता। लिब्रो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस करता है, बॉल को बचाता है कि वो नीचे सरफेस पर ना लग सके। इसके अलावा लिब्रो और कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है जी।